हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी बंगाली कुकिंग। आज मैं आपके लिए आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी एक रेसिपी, पोहा रेसिपी। यह आप ब्रेकफास्ट या स्नैक्स किसी भी टाइम आप खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए पोहा, यानी कि चूड़ा, बंगाली में इसको चीरे कहते हैं। तो मैंने 200 ग्राम पोहा ले ली है। और हमें चाहिए लहसुन, मैंने 2-3 लहसुन का टुकड़ा कट करके ले ली है बारीकी से, 3-4 हरी मिर्च कट करके ले ली है, 1 टमाटर कट करके ले ली है, प्याज कट करके ले ली है 1 प्याज, और कुछ धनिया पत्ता कट करके ले ली है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोहा को एक आटा चालनी में ले लूँगी। आटा चालनी में मैं इसलिए ले लूँगी क्योंकि आटा चालनी में लेके इसको ऊपर ऊपर से पानी छोड़ के मैं धो दूंगी, और आटा चलनी में धोने से जो पोहा है ना वो तोड़ नहीं जाएगा, वो पूरा ही रहेगा। पानी में भिगो के नहीं धोना है इसको, तो ऊपर से ऐसे पानी छोड़ के आटा चलनी में ऐसे ऐसे करके धो लूंगी। और मैंने इधर पतला पोहा लिया है, मैंने बोला नहीं आपको, पतला पोहा लिया है तो उसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा होता है। आप देख सकते हो पोहा का मैंने धो लिया है, और इसको ऐसे ही मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी। अब एक पैन बिठा दिया है, और पैन जब गर्म हो जाए इसमें 2 टीस्पून सरसों तेल डाल देती हूँ। गैस का फ्लेम लो करके इसमें 25 ग्राम मूंगफली डाल देती हूँ, और लो फ्लेम में 5 मिनट तक इसको पका लूंगी। मूंगफली के बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मूंगफली ऑप्शनल है, ये आप अच्छा लगे तो यूज कर सकते हो या ना भी डालो तो भी चलेगा। मूंगफली हो गया है, इसका भी उठा लेते हैं। अब इसी ऑयल में 1/2 चम्मच सरसों ऐड कर रही हूँ। सरसों ऐड करने के बाद इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ, प्याज को ऐड कर रही हूँ, हरी मिर्च को भी डाल देती हूँ, प्याज हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनूंगी। अब 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो आप स्वाद अनुसार ज्यादा भी नमक ऐड कर सकते हो। 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आपको खट्टा पसंद नहीं हो तो आमचूर पाउडर ना भी ऐड करो तो भी चलेगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब टमाटर को ऐड कर देते हैं। अब अपन चीनी ऐड कर दी, आप पोहा को डाल देती हूँ। आप देख सकते हो पोहा 10 मिनट हो गया है और हल्का सा फूल भी गया है। पोहा डाल देती हूँ। पोहा डालने के बाद गैस का फ्लेम एकदम लो करके इसमें मूंगफली भी डाल देती हूँ, धनिया पत्ता को भी डाल देती हूँ, और सारे चीजों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। रेडी हो गया है हमारा पोहा, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सर्व करते हैं। पोहा बन के रेडी हो गया है, ये आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, शाम के टाइम में स्नैक्स में भी आप खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।